हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को एडोब फोटोशॉप 24 वर्जन जो अभी न्यू अपडेट आया हुआ है, इसमें जो कि जेनरेटिव फिल टूल, पहले ये एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन में था लेकिन अब इसको 24 वर्जन में ऐड कर दिया गया है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये फोटोशॉप 24 वर्जन है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरीके का इसका इंटरफेस है। अब इसके बाद ओपन होने के बाद देखेंगे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 24 वर्जन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे मैक यूज करता हूँ, इसलिए इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे, और विंडोज में यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा और हम जो भी हमको इमेज को लेकर आनी है अपने फोटोशॉप में, हमको सेलेक्ट कर लेना है पहले। तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ से ओपन करूँगा इसको। अब ओपन कर लेने के बाद हमको देखना है सबसे पहले जेनरेटिव फिल टूल। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने फर्स्ट वाली इमेज पे। अब हमको देखिए, जो ये इमेज है, हमको इसमें जो ये हाउस है, मान लीजिए हमको ये पसंद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से चेंज कर दें इस हाउस को। तो हमको मान लीजिए हमको रेड कलर का हाउस चाहिए या येलो कलर का, आपको जिस कलर का आपको हाउस चाहिए, तो आपको ये जो प्रॉम्प्ट में हमको टाइप करना होगा। तो देखेंगे, जो देखिए नीचे कॉन्टेक्स्चुअल टास्क बार इसको बोलते हैं, ये अगर आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं तो आपको जाना है विंडोज में और देखिए कॉन्टेक्स्चुअल टास्क बार, इसको आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद हमको ये टूल बार में आना है। अब ये मार्क्यू टूल है, मार्क्यू टूल हम लेंगे यहाँ पर। ये जो हाउस है हमको इसको सिलेक्शन करना है, इस तरीके से हम सिलेक्शन बना लेंगे इसका, और सिलेक्शन बनाने के बाद हम पूरे मार्क्यू टूल को बीचों बीच लेकर आएंगे। इसके बाद ये जो जेनरेटिव फील्ड है इसमें हमको टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रेड हाउस, RED रेड हाउस, रेड हाउस हम टाइप करेंगे। और यहाँ से देखिए जेनरेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से जेनरेट कर दूंगा। जेनरेट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ये वेरिएंट्स है। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें प्रोसेस हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो आपके सामने जो हाउस आएगा यहाँ पे तीन आएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे हम, क्योंकि इंटरनेट पे ये वर्क करता है AI जो टूल है। तो थोड़ी देर में देखिएगा प्रोसेस होने के बाद आपके सामने हाउस आ जाएगा रेड कलर का। देखिए तीन हमारे पास ये हाउस आ गए, देखिए फर्स्ट वाला ये है और सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो इस तरीके से देखें आप, आपके सामने तीन हाउस आ गए। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये जो तीन हाउस आए हुए हैं ये अगर पसंद नहीं है, आप फिर से इसको यहाँ पे जेनरेट है, देखिए आप फिर यहाँ से जेनरेट करेंगे। जेनरेट करेंगे तो ये जो आपके पास तीन हाउस है ये तो रहेगा, फिर से दोबारा तीन हाउस और आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से जेनरेट करके देख लेता हूँ फिर से, तो फिर से वही प्रोसेस होगा और थोड़ी देर में आप लोगों के सामने तीन हाउस और आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए कि जेनरेट करेंगे तो आपके पास हमेशा तीन मतलब कि वेरिएंट्स आएंगे, आपको इस तरीके से देखना है। तो देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, फिर इसके बाद हमारे पास थ्री हाउस आएंगे रेड कलर, देखिए तो ये हमारे पास आ गया फिर से दोबारा तीन हाउस। अब इस तरीके से आप लोग जेनरेटिव फील्ड की टूल से आप अपने चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे फ्रेम पे, ये देखिए हमारे पास है दूसरा। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसमें हम चाहते हैं कि इसके पीछे सिटी या कोई बैकग्राउंड लगा लें, तो हमको AI टूल के माध्यम से इसको चेंज करना है। तो हम आएंगे फिर से यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट है, इसको हमको सेलेक्ट पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हमको ये जो है बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन है, यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप सेलेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से इन्वर्ट से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से कर लेता हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमको ये जेनरेटिव फील्ड टूल आ गया यहाँ पे। अब हमको इसमें टाइप करना है सिटी बैकग्राउंड, हमको क्योंकि सिटी बैकग्राउंड लेकर आना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिटी बैकग्राउंड। तो जेनरेटिव फील्ड टूल पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिटी बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सिटी बैकग्राउंड। सिटी बैकग्राउंड टाइप करने के बाद मैं यहाँ से जेनरेट करूँगा। जनरेट करने के बाद देखिए फिर से वही प्रोसेस होगा। अभी यहाँ पे देखिए वेरिएशन है, अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब यहीं पे थोड़ी देर में AI के माध्यम से देखिए हमारे पास तीन बैकग्राउंड चेंज होने के बाद इमेज आएगी। तो देखते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद, ये जो है AI टूल फोटोशॉप में इंटरनेट के माध्यम से जो चलता है। देखिए ये हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव होके यहाँ पे सिटी का बैकग्राउंड आ चुका है। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो इस तरीके से हमारे सामने तीन इमेज बन के AI के माध्यम से आ गया। अगर फिर वही आपको मान लीजिए ये तीनों पसंद नहीं है, तो फिर से आपको जेनरेट पे क्लिक करना होगा। तो देख लेते हैं फिर से दोबारा,
देखेंगे फिर से यहाँ पे तीन वेरिएशन वर्क हो रहा है, मतलब कि जब जब आप लोग ये जनरेट करेंगे तो आपके सामने तीन इमेज बनकर आएगा, तो आप जितना चाहे जनरेट करके देख सकते हैं। तो थोड़ी देर में देखिएगा फिर से यहाँ पे सिटी का बैकग्राउंड आएगा, तो देखिए हमारे पास फिर से दोबारा इस तरीके का बैकग्राउंड आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड यहाँ पे आया हुआ है, ये फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये। तो इस तरीके से हमारे पास सिक्स इमेज है सिटी बैकग्राउंड के साथ, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिमूव टूल, जो कि रिमूव टूल है इसको थोड़ा सा और पहले से है लेकिन इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है क्योंकि थोड़ा सा और बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो हम आएंगे देखते हैं उसको दूसरे एक इमेज पे। तो हम चलेंगे, हमारे पास ये इमेज है, ये वाली इमेज है, अब हमको इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो हमको सिंगल क्लिक में हम चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो ये है रिमूव टूल। अब हमको रिमूव टूल का यूज करना है, तो हम इसके चारों तरफ इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे रिमूव टूल के माध्यम से इस तरीके से, और सिलेक्शन बनाने के बाद आपको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। अब देखेंगे ये रिमूविंग एरिया प्रोग्रेस हो रहा है, देखिए यहाँ से ये बिल्कुल जो है घर रिमूव हो गया। अब ये जो थोड़ा सा एरिया डिसमिस है, तो मैं यहाँ से इसको फिर से इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो देखेंगे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा हिस्सा सही नहीं है, जहाँ आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगे इस तरीके से ब्रश को बस आपको ड्रैग कर लेना, तो आपकी जो बैकग्राउंड में से जो चीज़ें हटानी है हट जाएगी। तो फोटोशॉप में यही अपडेट था जो जेनेटिव फिल टूल पहले बीटा वर्जन में था, अब इसको फोटोशॉप में ऐड कर दिया गया है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।